ये दो राशियां शनि की हैं। इनके राशि स्वामी शनि होते हैं मकर और कुंभ के, और इस समय शनि महाराज विराजमान है मकर राशि पर, जो स्वयं की राशि है। केंद्र में शनि हो, स्वयं की राशि हो, तो सस नामक राजयोग बनाते हैं। तो ये सस नामक राजयोग बन रहा है, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत, जबकि साढ़े साती शनि चल रहा है तो भी साढ़े साती में सस नामक राजयोग चल रहा है। अब जब मकर राशि में शनि बैठा हुआ है और शनि यहां से पराक्रम पर दृष्टि डाल रहा है, तो छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा कष्टकारक है, और छोटे भाई बहनों के साथ आपका पराक्रम, आपकी मेहनत कमजोर पड़ रही है, परिश्रम आपका कमजोर हो रहा है, परिश्रम नहीं कर पा रहे। ये मकर राशि वालों की हिसाब है। और आपको पत्नी का स्वास्थ्य हो बिगड़े या उनको चिंता हो, पत्नी को किसी प्रकार की चिंता हो, उनका स्वास्थ्य बिगड़े, स्वभाव बिगड़े, कुछ भी हो सकता है, इसमें जो है तो थोड़ी सी, और दैनिक आय की गति में रुकावटें, क्योंकि शनि जहाँ देखता है वहाँ अंधकार कर देता है, जहाँ बैठता है वहाँ प्रकाश करता है। तो शनि आपके राशि पर बैठा हुआ है तो वहाँ तो प्रकाश कर रहा है, लेकिन जहाँ देख रहा है वहाँ थोड़ा अंधकार का संयोग बना रहा है। इस प्रकार से शनि महाराज जो है कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। कर्म स्थान आपका ढीला है, कर्म स्थान छूट रहा है, कर्म स्थान में व्यवधान आ रहे हैं, अनेक व्यवधान आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, साथ साथ में आपके पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ धर्म गरम चल रहा है इस प्रकार से। और आपके पिता से सैद्धांतिक मतभेद भी है। ये शनि महाराज आपकी अपनी राशि पर बैठकर दर्शा रहे हैं। गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ पर चिंता कारक होते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ एकदम आनंद की अनुभूति कर देते हैं। अब सुख भाव को शनि भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं। अब यह तो शनि की स्थिति दृष्टि, गुरु की दृष्टि सुख, माता, भवन, भूमि, वाहन, इष्ट मित्र, इन सब पर पड़ रही है। अब द्वंद्वात्मक स्थिति में क्या होगा, अच्छा भी होगा और थोड़ा सा हानि भी होगी, दोनों प्रकार की स्थिति रहेगी। और गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो यहाँ से पंचम भाव पर जा रही है और दूसरे भाग्य स्थान पर जा रही है। पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च, संतान का स्थान पांचवा है, तो संतान को सुखी बना रहे हैं, संतान की बाधाएं दूर कर रहे हैं गुरु महाराज। और साथ साथ में आपके जो मधुर संबंध हैं वो बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मन लग रहा है, पढ़ाई में निपुणता आएगी। साथ साथ में भाग्य तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाकलाप अच्छे विधान के साथ होना है वो भी संकेत कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, मानसिक रूप से अच्छा कार्य करेंगे। राहुदेव की स्थिति क्या है, मकर राशि से जो राहुदेव है पांचवें हैं, पांचवें राहु आ गए, संतान घर में दृष्टि शनि की जा रही है और संतान भाव में राहुदेव भी विराजमान है, तो संतान के लिए थोड़ा सा चिंता कारक बना रहे हैं, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं वहां चिंता कराते हैं। मंगल देव की स्थिति क्या है, मंगल मीन राशि पर है, आपकी राशि से तीसरे हैं, तृतीय पराक्रम भाव है, आपकी मेहनत रंग आएगी, जो परिश्रम किया है उसका फायदा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग बराबर मिलेगा,
इस प्रकार से मंगलदेव अच्छा कार्य करा रहे हैं। सूर्य, बुध और केतु ये तीनों वृश्चिक राशि पर बैठे हैं, जो कि आपकी राशि से ग्यारह में है। एकादशे सर्वलाभम, गुरु जो है सो ये आपके लिए, सूर्य देव ग्यारह में है, शासन पक्ष से कोई मुकदमा चल रहा है, शासन में कोई कार्य चल रहा है, उसमें सफलता देने वाले हैं, शासन पक्ष में आपकी गतिविधि अच्छी रहेगी। शासन पक्ष के बाद आपके जो अचानक कोई लाभ हो जाए ऐसा भी संयोग बन रहा है, अचानक कोई अच्छा कार्य हो जाए जिससे आप छोड़ चुके हैं कि अब ये कार्य होने ही नहीं है, लेकिन हो जाएगा अच्छा काम। और बुध देव भी यहीं पर विराजमान है, तो व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभान्वित ये समय रहेगा। व्यापार में सिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा, अनेक स्रोतों से आपका व्यापार लाभान्वित करेंगे। शुक्रदेव 11 तारीख तक तुला राशि पर हैं, वो 11 तारीख के बाद ये शुक्रदेव वृश्चिक राशि पर पहुंच जाएंगे। तुला राशि पर शुक्रदेव हैं, आपकी राशि से दसवें हैं, दसवें शुक्र कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कलात्मक कार्य में जो लगे लोग हैं उनके लिए प्रसिद्धि प्राप्त होगी। बस केवल कलाकारों के लिए, जो आर्टिस्ट जो भी है उसके लिए ठीक है, कर्म उनका सफलता की ओर अग्रसर होगा। और स्त्री जाति जो कार्य व्रत है उनके लिए लाभान्वित समय है। चंद्रदेव की स्थिति क्या है? चंद्रदेव आपकी मकर राशि से 6 तारीख को सातवें हैं, सप्तमें राज सम्मानम, आपको सम्मान प्राप्त होगा, सब प्रकार से आनंद की अनुभूति होगी और मेहमानों का समागम होगा, सब अच्छा रहेगा। और अष्टमें मरण ध्रुवम, 7 और 8 तारीख को एक्सीडेंट, टकराव, विवाद, इनसे बचना है, ये कुछ परेशानी का दिन आ सकता है 7 और 8 तारीख। 9 और 10 तारीख को 9 में भाग्य वृद्धिश्चय, भाग्य वृद्धि का समय है। 9 तारीख को और 10 तारीख को भाग्य में आपको बहुत अच्छी उपलब्धि होगी, अचानक कोई शुभ प्रसंग बनेंगे, आध्यात्मिक यात्रा होगी, आध्यात्मिक सुख मिलेगा, वाणी में आपको भैसो सम्मान प्राप्त होगा। एका उसके पश्चात द्वितीय, जब यहाँ पर जो है सो 9 में हो, 10 में कर्म ईप्सितम, 11 और 12 तारीख को कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय बनेगा। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक जो ग्रह गोचर है उनको मैंने दर्शाया। मंगल कामना करता हूँ, आपका समय अनुकूल रहे। हरिओम।